बहुत समय पहले की बात है, सिटी से दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक टूटा फूटा खंडर था और उस खंडर में एक चुड़ैल रहती थी। रोज रात को गांव वालों को उस चुड़ैल के रोने की आवाज सुनाई देती। और उसी गांव में मोटू पतलू भी रहते थे। तो मोटू गांव वालों के साथ मिलकर बातें कर रहा होता है, तभी उन्हें चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो अमित मोटू से बोलता है, मोटू क्या तुमने वो आवाज सुनी? पर अमित, इस समय कौन हो सकता है जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? अरे मैंने सुना है कि अपने गांव के पास में ही एक पुराना खंडर है और उस खंडर में बरसों से एक चुड़ैल रहती है। अरे अमित भाई, कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसे भी कोई डराता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बरसों से चिल्लाता रहे और बस केवल अपने गांव वालों की अफवाह है? ये कुछ भी नहीं फालतू की बातें हैं, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। नहीं नहीं मोटू, यह बात बिल्कुल हकीकत है, तुम इसे मजाक में मत लो। अमित भाई, तुमने तो यह सब बताकर मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना बोलकर मोटू अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह मोटू अपने भाई पतलू से बोलता है, अरे सुनो पतलू, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम खाना टाइम से खा लेना। वो सब तो ठीक है मोटू, लेकिन रात होने से पहले पहले घर आ जाना। तुम्हें पता है रात को वो चुड़ैल चिल्लाती है।